हेलो गाइज, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। उस पर बेस्ड आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग को ऐसा दिया हुआ है, वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा। इसको हमको प्रूफ करना है कि ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा बाई क्या दिया हुआ है, वन माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा बाई स्क्वायर रूट के अंदर इसको क्या कर दिए, वन माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो जो हम लोग का सपोजिट क्या है, इसको क्या करेंगे, वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, वन प्लस साइन थीटा, और उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसी से क्या करेंगे, वन प्लस साइन थीटा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ जो हम लोग का है, कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मीन्स ये और ये मल्टीप्लाई होकर हम लोग का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, स्क्वायर रूट के अंदर आके फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, तो ये हम लोग का क्या, वन माइनस साइन थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इधर से हम लोग का मल्टीप्लाई क्या होगा, वन प्लस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। दैट मीन्स वन प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा हम लोग का। क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन के स्क्वायर वन ही रह जाएगा फ्रेंड्स। और साइन स्क्वायर का थीटा, साइन का स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या हो गया, वन प्लस साइन थीटा। और हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़े थे कि ये वन होता है। दैट मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर ऐसा लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, जब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये टोटल क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर। ये जो हम लोग का, ये क्या, स्क्वायर रूट के अंदर है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा कि वन प्लस साइन थीटा तो हम लोग का है ही। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट से कॉस जब बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन अलग अलग इसको कर दें तो वन बाय कॉस थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन बाय कॉस थीटा को हम लोग पहले ही बोले क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी, ये हम लोग का क्या हो जाता है, टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आर एच एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के आइडेंटिटीज का यूज करना कि हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। सपोज दैट कहीं पे हमको लिखा हुआ है क्या, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग एल एच एस से शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एल एच एस में तो ये हम लोग का क्या है, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, वन माइन क्या दिया हुआ है कि वन माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर और नीचे हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से ध्यान से देखिए, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगा कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स अगर हम लोग इधर इसको उस तरफ कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। तो ये पूरा हम मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का क्या है, आर एच एस। तो इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं कि हम लोग जो एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग को इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, वन। तो ये फ्रेंड्स बहुत जगह यूज आएंगे इस टाइप का कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिटीज को डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली जो हम लोग का था वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फिर से सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का आइडेंटिटी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट, आइडेंटिटीज वही है जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसी को क्या होगा कि अलग अलग फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे देखते हैं, तो लोग आज इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। अगले आगे हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कि ये क्या क्या होते हैं। थैंक यू, अगर ये आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।